नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उदयपुर के चिंतन शिविर में मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। सोनिया ने कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार देश भर में खौफ और ध्रुवीकरण का माहौल बना रही है। सोनिया ने कहा कि अब ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगियों का मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट से क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि देश में लगातार ध्रुवीकरण के हालात बनाए रखना, लोगों को खौफ के माहौल में जीने के लिए मजबूर करना और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना और उनका उत्पीड़न करना। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक हमारे समाज और इस लोकतंत्र में बराबर के नागरिक हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि इसका यह भी मतलब है कि महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमामंडन करना और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के द्वारा किए गए कामों को इतिहास से मिटाना। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नफरत की आग को भड़काया जा रहा है और लोगों के आम जीवन पर इसका असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक हम सोच सकते हैं उससे ज़्यादा इसके गंभीर सामाजिक नतीजे हो रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस को इस बंटवारे के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि इस नव संकल्प चिंतन शिविर से हमें यह मौका मिला है कि हम बीजेपी और RSS की नीतियों के कारण इस देश के सामने खड़ी चुनौतियों को लेकर चर्चा करें। सोनिया गांधी ने कहा कि संगठन में बदलाव वक्त की मांग है और हमें अपने कामकाज के तरीकों में भी बदलाव करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें संगठन को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर रखना होगा। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब इसे लौटाने का वक्त आ गया है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का विजन पार्टी के अंदर युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने का है। पायलट ने उदयपुर में हो रहे चिंतन शिविर से पहले द इंडियन एक्सप्रेस से तमाम मुद्दों पर बातचीत की। इस चिंतन शिविर में राष्ट्रीय प्रदेश भर की कांग्रेस कमेटियों के 430 नेता शामिल हो रहे हैं। इस सवाल के जवाब में कि क्या पार्टी में युवाओं को बढ़ावा मिलेगा, पायलट ने कहा कि चिंतन शिविर में भाग ले रहे डेलीगेट्स में से 50% की उम्र 40 साल से कम है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहती हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल चुके पायलट ने कहा कि युवाओं ने निश्चित रूप से ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं और युवाओं के बीच में संतुलन बनाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भारत एक युवा देश है और नेतृत्व में भी अगर युवाओं की भूमिका बढ़ेगी तो ऐसा होना कांग्रेस और देश के हित में होगा। लगातार चुनावी हार से जूझ रही कांग्रेस का आज से राजस्थान के उदयपुर में 3 दिनों का चिंतन शिविर शुरू हो गया है। इसमें केंद्रीय व प्रदेशों की कांग्रेस कमेटियों से जुड़े 400 नेता शिरकत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें पार्टी एक परिवार एक टिकट के नियम को लाएगी, हालांकि इसे गांधी परिवार को छूट देने की बात कही जा रही है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने इसको लेकर कहा कि इस नियम पर सब एकमत हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी एक परिवार का सदस्य परिवार के दूसरे सदस्य को लड़ाना चाहता है तो उसे पहले 5 साल तक पार्टी में सक्रिय रहना होगा। ये पूछे जाने पर कि क्या गांधी परिवार को इस नियम से छूट दी गई है, इस पर माकन ने कहा कि वो पिछले 5 वर्षों से सक्रिय हैं। प्रियंका गांधी ने 2018 में पार्टी के लिए औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि 5 साल वाला नियम उन परिवारों पर लागू किया जाएगा जो राजनीति में सीधे उम्मीदवार के तौर पर उतरना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर में काफ़ी बदलाव करने की तैयारी कर रही है। पार्टी युवाओं को आगे लाने को लेकर फैसला कर रही है। राहुल गांधी के करीबी नेताओं में से माणिक टैगोर ने NDTV से कहा कि पार्टी को युवाओं का प्रतिनिधित्व करना है क्योंकि भारत की 60% आबादी 40 साल से कम की है। उन्होंने कहा यह हमारी सभी पार्टी इकाइयों और पदों पर भी दिखेगा। इसके अलावा कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि पार्टी में कोई भी व्यक्ति किसी पद पर 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए और 3 साल के लिए कूलिंग ऑफ अवधि होनी चाहिए। कांग्रेस संगठन में ऐसे नेताओं को जो 50 साल की उम्र से नीचे हैं उन्हें पार्टी संगठन में सभी स्तरों पर 50% आरक्षण दिया जाएगा और इसे कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC के लिए भी लागू किया जाएगा। माकन ने कहा कि अक्सर ये बात सामने आती है कि पार्टी के लिए काम करने वाले नेताओं को सम्मान नहीं मिलता और ऐसे नेता जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की जाती, इसलिए पार्टी एक असेसमेंट विंग बनाने जा रही है जो नेताओं के प्रदर्शन का आकलन करेगी। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बड़ी चेतावनी दी है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के द्वारा अपने घर में किए गए अतिक्रमण पर अगर MCD शनिवार सुबह 11 बजे तक कार्रवाई नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी अपना बुलडोजर ले जाकर उस अतिक्रमण को तोड़ देगी। बता दें कि MCD में बीजेपी की सरकार है और जहांगीरपुरी से लेकर शाहीनबाग और मदनपुर खादर में अतिक्रमण हटाने को लेकर जबरदस्त बवाल हो चुका है। आम आदमी पार्टी के MCD के प्रभारी दुर्गेश पाठक ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आदेश गुप्ता ने सड़क पर अतिक्रमण कर अपना मकान बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि आदेश गुप्ता ने MCD में जो नक्शा पास कराया है उस हिसाब से अपना घर नहीं बनाया है, लेकिन उनके खिलाफ MCD ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
बुलडोजर से कार्रवाई को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को घेरा है और गंभीर आरोप लगाए हैं। सिसोदिया ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि दिल्ली में 63 लाख घरों की तबाही का बीजेपी का प्लान है। उन्होंने बीजेपी पर बुलडोजर से वसूली का आरोप लगाया और कहा कि उनका प्लान 63 लाख घरों पर तबाही का है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी का इन 63 लाख परिवारों को संदेश साफ है, या तो पैसा दो या बुलडोजर से तबाह होने को तैयार रहो। दिल्ली के मदनपुर खादर में बुलडोजर की कार्रवाई के विरोध के दौरान आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद अब दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को उनकी हिस्ट्री शीट खोली है। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह को जामिया नगर इलाके का बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया है। बता दें, अतिक्रमण को हटाने को लेकर की जा रही कार्रवाई का खान ने विरोध किया था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी सहित 12 निवासियों को भी हिरासत में लिया गया था। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे तत्काल हस्तक्षेप करने और दिल्ली में बुलडोजर के अभियान को रोकने के लिए कहा है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी और उसके नेताओं ने दिल्ली में अपनी सस्ती बुलडोजर राजनीति चलाने के लिए सभी हदें पार कर दी हैं, जबकि एमसीडी में उसका समय पूरा हो चुका है। दिल्ली में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई है। उनको दिल्ली पुलिस ने कल मदनपुर खादर में अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध करने के कारण गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इससे उन हजारों छात्रों पर असर पड़ेगा जिन्होंने परीक्षा के लिए पंजीकरण करा लिया है। अदालत ने कहा कि परीक्षा में देरी से उन 2 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और इससे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी का भी संकट हो जाएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अकादमिक सत्र पहले ही 4 महीने पीछे हो चुका है। बेंच ने कहा कि 2,06,000 डॉक्टर इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस मामले में दायर याचिका में कहा गया था कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी तारीखें नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया की तारीखों से टकरा रही हैं और उनके पास परीक्षाओं की तैयारी के लिए वक्त नहीं है। वाराणसी की एक अदालत द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के आदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत के आदेश के बाद यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग की। अहमदी ने अदालत से कहा कि वाराणसी की एक प्रॉपर्टी के संबंध में निचली अदालत के द्वारा सर्वे का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, यह प्रॉपर्टी पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत संरक्षित है, लेकिन इसके बाद भी अदालत ने सर्वे करने का आदेश दे दिया है। इस पर सीजीआई एनवी रमना ने कहा कि उन्हें मामले को देख लेने दिया जाए। इसके बाद अहमदी ने फिर से यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग की। इस पर सीजीआई ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि आखिर मुद्दा क्या है और उन्होंने अभी तक इससे जुड़े कागज भी नहीं देखे हैं। सीजीआई ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते तो कैसे कोई आदेश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले वो कागज पढ़ेंगे और उसके बाद आदेश पास करेंगे। जम्मू कश्मीर में अब एक पुलिस कांस्टेबल की संदिग्ध आतंकवादियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। घाटी में पिछले 24 घंटों में ये दूसरी हत्या है। मृतक की पहचान रियाज अहमद होकर के रूप में हुई। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि कांस्टेबल को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। बता दें, इससे पहले गुरुवार शाम को कश्मीर के बडगाम जिले के चदूरा में तहसील कार्यालय में काम करने वाले कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की उनके कार्यालय परिसर में हत्या कर दी गई थी। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गुरुवार को हुई हत्या के बाद जम्मू और कश्मीर में रात भर जोरदार प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित उन कैंपों से निकलकर बाहर आए जहां वे 1990 में कश्मीर से पलायन के बाद से रह रहे हैं। नाराज प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एक प्रदर्शनकारी रंजन ने कहा कि हम इस शर्मनाक घटना की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से पूछते हैं कि क्या यही पुनर्वास है? क्या वे हमें यहाँ मारने के लिए लाए थे? यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो पीड़ित कश्मीरी पंडितों के परिवार से मिलने बडगाम जाना चाहती थी, लेकिन उनके घर में उनको नज़रबंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह तथ्य है कि कश्मीरी मुसलमान और पंडित एक दूसरे के दर्द के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो शातिर सांप्रदायिक नैरेटिव में फिट नहीं होता है। इसके अलावा पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले और बल के प्रयोग को शर्मनाक बताया। अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब प्रशासन के पास हथौड़ा होता है तो हर समस्या एक कील जैसी होती है। उन्होंने कहा कि अगर उपराज्यपाल की सरकार कश्मीरी पंडितों की रक्षा नहीं कर सकती तो उन्हें विरोध करने का तो अधिकार है। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का सौदा फिलहाल रोके जाने की बात कही है। उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, ट्विटर का सौदा अस्थायी रूप से होल्ड पर है। उन्होंने कहा कि ट्विटर के स्पैम और फर्जी खातों को लेकर जानकारी अभी भी लंबित है। उनको इसमें संदेह है कि क्या वास्तव में 5% से कम यूजर्स स्पैम फर्जी हैं। ये सौदा फिलहाल
खटाई में पड़ता दिख रहा है, जब पिछले महीने ही टेस्ला इंक के मुख्य कार्यकारी एलन मस्क ने 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ट्विटर खरीदने के लिए एक सौदा किया था। सौदे की राशि तो तय हो गई थी, लेकिन सौदा अभी भी पूरा नहीं हुआ है। सौदे की अन्य प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।